अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अरीबा और आप देख रहे हैं किचन विद अरीबा। तो उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद आज हम फाइनली बना रहे हैं अपने किचन में चिकन मंचूरियन विद चाइनीज़ राइस। तो काम वाम सारे छोड़ दें और रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 750 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया, आप देख सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 मैंने यहाँ पे एग लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सोया सॉस लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सिरका लिया है, लहसुन पेस्ट मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। तो अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। तो नमक मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब हम चिकन मंचूरियन सॉस तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल प्लेन केचप लिया है 1 कप, 1/2 कप मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक केचप लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे शुगर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चाइनीज सॉल्ट लिया है। अगर आपके पास चाइनीज सॉल्ट नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सिरका लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सोया सॉस लिया है, 1 मैंने मीडियम साइज की कैप्सिकम ली है, जिसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो अब हम 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे सॉस तैयार करने के लिए। ऑयल गर्म होते ही इसके अंदर हम लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन पेस्ट को हम जस्ट सोते करेंगे। तो अब हम इसमें प्लेन केचप ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे। तो केचप ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर सोया सॉस और विनीगर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद। तो अब हम इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो 1/2 लीटर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसको मैंने पानी में मिक्स कर दिया है सॉस को थिक करने के लिए। तो जैसे ही इसका बॉयल आएगा हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सॉस का बॉयल आ चुका है, अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे ताकि ये थिक हो जाए। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद कितना थिक हो गया है, अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब। तो चिकन मंचूरियन तैयार है, अब हम इसके अंदर सीड्स ऐड करेंगे। अब हम चाइनीज राइस तैयार करेंगे। 1/2 कप हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल गर्म होते ही इसके अंदर हम लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। तो लहसुन को हम जस्ट सोते करेंगे। तो लहसुन हमारा सोते हो चुका है, अब हम इसके अंदर कैरेट और कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर कैबेज ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी वेजिटेबल्स को। तो अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो नमक मैं इसके अंदर 1 टेबल ऐड करूंगी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर हम 1 टी ऐड करेंगे, चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे,
अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम विनीगर ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर बॉईल किए हुए राइस ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब राइस को। तो चाइनीज राइस तैयार है, तो चिकन मंचूरियन विद चाइनीज राइस तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। और मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मैं एक और बात कहना चाहूँगी, अगर आपकी कोई फरमाइश है रेसिपी की तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।